उधमपुर जिले के संसू पंचायत के दूरदराज गांव कोटली में 5 सदस्य परिवार जो पहले ही गरीबी की मार झेल रहा था, वहां परिवार के मुखिया की अचानक मौत से मानो कहर बरप गया हो। कोटली गांव के इस परिवार के पास ना रहने को छत था और अब रोजी रोटी का भी कोई साधन ना होने से परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। इस परिवार की पीड़ा जब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक पहुंची, तो उन्होंने तत्काल सहायता का हाथ बढ़ाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर को इस परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन उपलब्ध करवाने, केंद्रीय योजना के तहत शौचालय निर्माण करवाने व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर देने की सिफारिश की। बैठने की जगह नहीं है, खाना बनाने की जगह नहीं है, जो सामान कहाँ रखेंगे हम, रखने की भी जगह नहीं है। जो है किसी के 2 कमरे पर तब तक दिए हैं जब तक हमारा घर तैयार नहीं हुआ। जब जब हम तो इंतजार काम तो सारा उधर ही करते हैं, चाय रोटी पानी खाना हर चीज उधर ही पड़ा हुआ है। खड़े होने की जगह नहीं है, पाँव में देखो शाले पड़ गए, उधर चल चल गए कीचड़ में, बुरी हालत है हमारी। हम ये चाहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए और हमारे पति की जो नौकरी थी मुझे दी जाए, जा मेरे बेटे को दी जाए, जिससे मेरे हमारे बच्चे पढ़ सके। मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख के, इनके भी कुछ सपने थे, हमारे तो थे मगर भगवान ने छीन लिए, मगर बच्चों की जो हम पूरी कर सके, मैं पढ़ा सकूँ लिखा सकूँ इन्हें आगे बढ़ा सकूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह व उनके संसदीय प्रतिनिधि भरत शर्मा के निर्देश भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशांत गुप्ता मंगलवार को राशन सामग्री कपड़े व बच्चों की किताबें लेकर उनके पास पहुंचे। परिवार का मुख्य डेली वेजर के तौर पर काम करता था, जिसकी गत दिनों पागल कुत्ते के काटने से मौत हो गई। जितेंद्र सिंह जी का आदेश था, उसमें डीसी साहब को भी बड़ा अच्छे से बताया, ब्रीफ किया, और डीसी साहब ने भी बोला है कि जल्दी से जल्दी इनको एक शौचालय के लिए सेंसेशन, और दूसरा जो गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा का सेंसेशन होता है मोदी जी की द्वारा, उसमें इनके परिवार को 2 दिन के अंदर मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी डिमांड है कि आवास योजना के तहत इनका जो सर्वे हुआ था वो 3rd फेज में है। मैं इसके बाद डीसी साहब से भी मुलाकात होगी। मैं माननीय डीसी साहब जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय भी दिया और वो बड़ा इसको स्पेशली इस मसले को देख रहे हैं, खासकर इनके परिवार को लेकर, कि डीसी साहब इसको जितनी जल्दी हो सकता है इनका मसले हल कर सकें। और आवास योजना के तहत मैं कोशिश करूंगा इनका सेकंड फेज में जितनी जल्दी हो सकता है हो सके। साथ ही साथ इनकी डिमांड है कि जो इनके हस्बैंड थे उनके जब एक्सपायर हुए, उनके जगह पे इनको डेली वेजर्स के तौर पे, चाहे मिड डे मील में जो कुकिंग की पोस्ट होती है, कुक की पोस्ट होती है, चाहे वो आईएसडीएस में हमारे वोटर कार्ड जो बनते हैं या उसके सेंटर्स का भी रहता है, उस तरह में इनका एक रोजगार घर में लग जाए ताकि ये कुछ खा सकें और अपने लिए कुछ बना सकें। मृतक की पत्नी वीरता देवी की मांग है कि उनके पति के स्थान पर उन्हें या उनके बेटे को नौकरी दी जाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसमें भी पूरा सहयोग करने का विश्वास दिलाया है।